आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कच्चे आम से बनने वाला पेय या शरबत, जो हमें लू से बहुत ही राहत पहुंचाता है और गर्मी में ठंडक देता है। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक आम है, हमने जिसको उबाल लिया है, आप इसको पानी में डालकर उबाल लीजिए। गांव में हम इसको डायरेक्ट आग में भून कर बनाते हैं। ये थोड़ा ख़राब था तो इसको हमने कट करके निकाल दिया है, सड़ा हुआ नहीं है। ये जो गिरता है तो चोट लगता है, वही है तो वहाँ का सूख गया है, तो अभी ये गर्म है। फिर भी हम इसको छील के उतार लेते हैं। आप ठंडा करके उतारिएगा। गांव में होते हैं तो हम इसको डायरेक्ट आग में भून कर बनाते हैं, उसका स्वाद कुछ अलग आता है, अच्छा लगता है, सोदा सोदा सा। तो अब हम इसके छिलके उतार लिए तो अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। आप चाहे तो इसका गूदा निकाल कर मिक्सर में पीस सकते हैं, पर मेरे पास मिक्सर है ही नहीं तो मैं इसको ऐसे ही बनाने वाली हूँ। तो मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ और ये जो सारे छिलके में गूदा लगे हुए हैं उसको भी मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ और जो गुठली में गूदा है उसको भी मैं मसल कर निकाल लूँगी। ये देखिए, तो इस तरीके से गुठली को मसल कर इसका हम सारा गूदा निकाल लेंगे। और इस तरीके का जूस या शरबत बनाने के लिए गांव में इसको आम का पन्ना भी बोलते हैं लोग, तो इसके लिए एकदम कच्चा आम ही लेना चाहिए। ये हमने लगभग 4-5 दिन पहले लाया था तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पक गया है, फिर भी खट्टा है, तो ये कच्चे आम का ही बनता है। तो देखिए, ये हमने इसको मसल कर इसका सारा गूदा निकाल लिया। अब ये जो इसमें छोटे छोटे टुकड़े या गुठली दिख रही है इसको हम हाथों से मसल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें चीनी डालकर ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। अब मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और गांव में ऐसे ही बनाकर इसको पीते हैं लोग। अगर आपको ऐसे पसंद ना आए तो आप इसको छन्नी से छान सकते हैं। तो हमने इसको मसल लिया है तो अब चलिए इसमें हम चीनी मिला देते हैं। आप उतना ही बनाइए आपको जितनी ज़रूरत हो। तो हम इसमें चीनी मिला देते हैं और इसको घोल लेते हैं। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक मिला देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिलाएं, ना चाहें तो ना मिलाएं। और अब हम इसको अच्छे से घोल लेते हैं, चीनी को यानी पूरी तरह से घोल लेंगे। आप चाहे तो इसको गुड़ में भी बना सकते हैं, मिश्री में भी बना सकते हैं। अब हमने इसको तैयार कर लिया है तो सर्व करने से पहले आप इसको थोड़ा सा चख लें कि मीठा कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो थोड़ा सा चीनी मिला दें, ज़्यादा है तो थोड़ा पानी मिला दें, इसके बाद इसको सर्व करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस शरबत को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छा भी लगता है, टेस्टी और हेल्दी भी होता है। ये जो दूसरी वाली गिलास है इसमें मेरे हस्बैंड चटनी कूटे थे तो उनको इसी में चाहिए था, कह रहे हैं धोना नहीं, हमको इसी में देना है।